राम राम जी। दोस्तों आज हम तीन आदतों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हमारी जिंदगी की वाट लगी पड़ी है। जिनमें सबसे पहले नंबर पे है, हम किसी भी काम को करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इसको बेस्ट कर देंगे, परफेक्ट कर देंगे, और इसी आदत की वजह से हमारी जिंदगी झंड हो रखी है। दोस्तों वजह क्या है, यदि हम कोई भी नया काम करते हैं तो पहली बार में हम किसी भी काम को बेस्ट नहीं कर सकते, परफेक्ट नहीं कर सकते। यदि आप राइट हैंड से काम करते अपने, तो एक दिन आप लेफ्ट हैंड से काम सिग्नेचर करके देखिए, तो आपको देखने से मालूम हो जाएगा कि आपके जो साइन है, आपकी जो राइटिंग है, वो पहली क्लास के बच्चे से भी गंदी वहां पे आई है, क्योंकि आपने कभी लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश ही नहीं की, प्रैक्टिस ही नहीं की। इसलिए आप पहली बार में किसी भी काम को बेस्ट नहीं कर सकते, परफेक्ट नहीं कर सकते। इस आदत की वजह से हम कई बार डिमोटिवेट होते हैं और हम काम को करते ही नहीं है, नए काम को। तो दोस्तों आप पहली बार में कोई भी काम बेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, आपका काम बेस्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये असली चीज है जो हमारी जिंदगी में आप और मुझसे जुड़ी हुई है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, हम पहले ही दिन मैदान में उतरते हैं और किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर हम सोचते हैं कि उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी बंगले हैं, कितनी ऐसो आराम है। हम कंपेयर कर लेते हैं एक सक्सेसफुल आदमी के साथ अपने आप को पहले दिन। दोस्तों हम ये नहीं देखते जो सक्सेसफुल आदमी आज है उसने कितनी रातों की नींद अपनी गवाई है, कितनी मेहनत की है, तब जाके वो आज सक्सेसफुल है और उसके पास आज ऐसो आराम है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले दिन मैदान में उतरे और उसी दिन सोचते हैं कि यार हम उसके जैसे होने चाहिए। दोस्तों हमें जो सक्सेसफुल इंसान है उन्हें अपना आदर्श बनाना चाहिए, ना कि उनके साथ कंपेयर करें पहले ही दिन। तो आप इस चीज से भी हमारी वाट लगी पड़ी है, ये हमारी आदत है कि हम पहले ही दिन किसी सक्सेसफुल इंसान से अपनी तुलना कर लेते हैं। दोस्तों आप आदर्श बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन पहले ही दिन किसी के साथ आप तुलना मत कीजिए। तीसरा जो यहां पे पॉइंट है वो ये है कि हम बेकार की चीजों में उलझे पड़े हैं। दोस्तों जो हमारा दिमाग है वो एक दुकान की तरह है, यदि आप दुकान में कोई भी आइटम रखते हैं तो लिमिटेड आइटम ही हम उस दुकान में रख सकते हैं, यदि उससे ज्यादा रखेंगे तो वे आइटम गिरेंगे, यानी कि वो दुकान संभाल नहीं पाएगी। इसी तरह हमारा दिमाग है, हम एक चीज के बजाय यहां 50 आइटम डालेंगे, राहुल की गर्लफ्रेंड आज किसके साथ डेट पे गई है, फेसबुक पर राहुल ने क्या शेयर किया, कितने लाइक आए हैं, लोकसभा में कौन किसी का चला गया, किसकी सीट किसको मिली है। यदि हम ये बेकार की चीजें करेंगे, बार बार इस चीज पर अनेक प्रकार के फोकस करेंगे, तो दोस्तों हम किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज भी हमारी जिंदगी की वाट लगाती है। तो आप एक चीज पे फोकस कीजिए, जो आपकी आज आपने जो टारगेट सेट कर रखा है आप उसी चीज पे फोकस कीजिए। एक से ज्यादा फोकस करोगे आप, 50 चीजों के बारे में सोचोगे, तो आप एक भी काम को बेहतर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तीन पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी लगी पड़ी है। और जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, अनावश्यक चीजों की जो चिंता है हमें वो छोड़ देनी चाहिए, उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, इग्नोर करने की आदत बनाइए। दोस्तों एक पढ़े लिखे इंसान ने कहा है, एक मंत्र दिया है, ओम इग्नोराय नमः, यानी कि आप अनावश्यक जो चीजें हैं उनको इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए चिंता करने की राहुल की गर्लफ्रेंड आज किसके साथ डेट पे गई है, आज किसका वोट किसके साथ चला गया है, छोड़ दीजिए इन चीजों को। आपका जो मेन चीज है उन चीजों फोकस कीजिए, सक्सेसफुल आप जरूर हो जाओगे। एक दिन में कोई अंबानी नहीं बनता है, लेकिन आप लगातार मेहनत करोगे एक दिन अंबानी जैसे जरूर बन जाओगे। तो दोस्तों बस यही तीन पॉइंट थे, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों ये वीडियो आपने यहां तक देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।